अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत से, फिट फाट होंगे। हाजिर हूं जी एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो बनाने में थोड़ी देर होगी यार, क्योंकि सेटअप पे इतना काम था। तीन डॉग्स नए लेके आया हूं, फिर उनकी सेटिंग करवाना, फिर दो जो मैक्स हैं रॉटवाइलर उनकी सेटिंग करवाना। वीडियो तो नहीं बना सके क्योंकि जब वीडियो इनके रिएक्शन की मैंने वीडियो बनानी होती है नए डॉग्स की, उससे पहले यार खुद जो है देखते हैं नया जो डॉग है वो कितने पानी में है, पुराना जो डॉग है वो कितने पानी में है, कोई मसला मसाइल होता है ये कवर कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, उसके बाद फिर रिएक्शन की वीडियो मैं अपने चैनल पे डालता हूँ डॉग्स की। ये बात तो एक क्लियर होगी। तो फिर भी उस टाइम अल्लाह ना करे कोई हादसा हो तो मुझे पता होता कि यार अब दोनों डॉग्स को मैं संभाल लूंगा, या दोनों में से एक जो मस्ती करेगा उसको मैं आसानी से संभाल लूंगा। तो इंशाल्लाह कल शाम को या परसों सुबह दोनों जो मैक्स हैं उनकी रिएक्शन की वीडियो डालूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो वीडियो पसंद आएगी। तो अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैनल पे गया था शाम को तो सबसे पहले अपने डॉग्स दिखाए, लियो वगैरह, बल्कि आपको दिखाते हैं जी। आज लियो का खोला है अपने पाकिस्तानी बुलीज के साथ और साथ जैनी भी है। मैंने कहा जरा इनकी दोस्ती करवा दें आपस में। लियो काफी शोर कर रहा था, मैंने कहा चला लियो बच्चे आज तेरी दोस्तों के साथ करवाएं, नए दोस्तों के साथ जरा दोस्ती। शोला शोला लड़ना नहीं है उसके साथ। अच्छा शिला दरा शिला, मैक्स दोनों ही शोर कर रहे हैं काफी इनको देख के। मैक्स इसने पानी का बर्तन उल्टा कर दिया। मैक्स नो, शिला गई है खेलने के लिए। सबसे पहले जी आपको अपनी रैबिट फीमेल दिखाते हैं और इसके बनीज दिखाते हैं। अभी मैंने खुद इसका पिंजरा खोला है ताकि ये बाहर निकले और घास वगैरह खा ले। डॉग्स ने हमें इस तरफ जाते हुए देखा तो उस टाइम का शोर कर रहे हैं। बनीज देखें इसके बाहर ही सोए हुए हैं। ये अगर हमारे सामने निकल जाए तो अच्छी बात है, हमें पता लग जाएगा ये फलांगती किस तरह की। इसे पता लग गया कि यार ऊपर से इन्होंने कवर उठाया हुआ। हमारी टर्की फीमेल को देखें। अब चूजों की तरफ चलते हैं। हमारी ग्योनी फॉल्स, नए वाले पिजन्स, पुराने वाले भी माशाल्लाह, चूजे भी ठीक है, नीचे वाले चूजे भी ठीक है। उसके बाद ये मेल रैबिट हमारा इधर बाहर ही बैठा हुआ है, भाग ही गया। गुरबी वो छोटा वाला अभी थोड़ी देर पहले तो बाहर निकला हुआ था, मारे इधर इधर अंदर ही है, अंदर चला गया। ये दो हमारे पिजन जो हिले हुए वो इस टाइम बाहर ही हैं। चेक करें दोस्तों, मैक्स को मैक्स का ही पड़ोसी बनाया हुआ, बाकी डॉग्स को मैंने कहा जरा अलग ही रहने दे। चलो जी, मैक्स भी आज कल दिन को लाया था, मैक्स अभी गया है रैबिट्स की तरफ। हाँ मैक्स रैबिट्स का मुआयना करने के लिए गया, लेकिन शुक्र है जेट बॉक्स आके पड़ा हुआ। दूसरे वाला देख के शोर कर रहा है, इसको बाहर नहीं जलना भाई। चल इधर मैक्स, चाहे घूमने फिरने का दीवाना है बड़ा। मैक्स चलो, नहीं जाना बाहर। हाँ मैक्स क्या मसला तुझे?
इधर से शोला और शीला, इधर से ये वाला मैक्स, इधर मैक्स, ये भी इसको कुछ नहीं खाते, लेकिन मैक्स जो है रोले वाला भाई, ये लैब मेल जब खोलो उसको काफी, उस पर काफी ज्यादा शोर करता है। लियो दिखाते हैं जी, लियो जब मुझे देख ले उसके बाद ये सब्र नहीं करती, ये देखा ऐसी चीखें मारना शुरू कर देती है। हाँ लियो, लियो आजा मैक्स, चलो 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 चलो। मैंने गुल भाई को कहा, गुल भाई बस उनकी लाइटें वगैरह बंद करने से पहले सारी जगह को वापस एक दफा नीट एंड क्लीन कर दे। चेक करें जी, मैक्स को एक ही आवाज दी है, शुक्र है चला गया। मैक्स के साथ अपना मैक्स भी खड़ा हुआ, दोनों को मैंने कहा साथ साथ रहे, तो गैप डाल देता फिर क्यों लियो, तो फिर नुकसान ज्यादा करते हैं। कुल भी उसे चुप कराएं, चले जी। तो फ्रेंड माशाल्लाह से सेटअप पे वापस आने के बाद, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद चूज़ों को मैंने डाली है प्रोटीन, तो अभी सारे केज में से बाहर निकल आए हैं। रिजल्ट थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि अभी ये अंदर हैं, रोशनी में नहीं है, तो माशाल्लाह से सारे चूज़े एक्टिव हैं और खाना पीना खा रहे हैं। मैंने कहा फिर मैं सो जाऊँगा, सुबह फिर लेट हो जाऊँगा, इसलिए सैरी के टाइम इनको दाना वगैरह डाल देंगे। रेड वाला चूज़ा भी थोड़ा सा अब एक्टिव हो गया, बाकी वो देखें, ये इनकी बड़े मज़े की चीज़ है, मुंह में दाना या कोई चीज़ उठा लें कीड़ा मकोड़ा तो आगे पीछे भागना शुरू कर देते। रेड वाला दाना ही खा रहा है जी। तो फ्रेंड ये टाइम हो चुका है, अभी तक मैं इनके इंतज़ार में बैठा हुआ था, मैं कहा थोड़ा सा दाना इनका कम हो, तो अभी रोशनी हो गई है, मैंने कहा इनको जब वो प्रोटीन डालेंगे, इनको बाहर निकाल के इनकी वीडियो भी बनाएंगे, और उसके बाद फिर वीडियो एडिटिंग करनी है, फिर अपलोडिंग पे लगानी है, अपलोड हो जाए उसके बाद फिर टाइम, मुर्गा मेरा जो है जाने दे रहा है, उसके बाद जी फिर टाइम पे लगानी है कि सुबह 11 बजे अपलोड हो जाए। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।